मेरे से कोई पूछे क्या जल्दी जल्दी में अमीर बन जाएंगे, भाई मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी जल्दी में अमीर बन जाएंगे। कभी नहीं होता कि जल्दी से कोई अमीर बन जाए, लॉटरी लग जाए तो भैया वो अलग बात है ना, फिर लॉटरी में बाद बंदी लालच भी पड़ जाता है। उस वीडियो को देखकर काफ़ी लोग कहते हैं भगवान हमें दिख जाए, भगवान हमें दिख जाए, भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें मिल जाए, सब काफ़ी लोग ये चीज़ करते हैं कि भैया हमें किसी तरह भगवान मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हम सबको लगता है कि हम शेयर मार्केट से ना करोड़पति लखपति बन जाएंगे, ना लखपति तो बन सकते हैं करोड़पति बन जाएंगे, और वो तब जब हमारी आदतें ऐसी हों कि हम बिना सोचे समझे किसी शेयर को लेते हों और सिर्फ तेज़ी का भाव देखकर ही हम शेयरों को ले रहे हों, चाहे उसके अंदर अच्छे शेयर हों चाहे उसके अंदर फिर बेकार शेयर हों। क्योंकि जब हम अपनी गतिविधियों को इस अनुसार शेयर मार्केट में लगाते हैं कि भैया जल्दी जल्दी में अमीर बनना है, मेरे से कोई पूछे क्या जल्दी जल्दी में अमीर बन जाएंगे, भैया मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी जल्दी में अमीर बन जाएंगे। कभी नहीं होता कि जल्दी से कोई अमीर बन जाए, लॉटरी लग जाए तो भैया वो अलग बात है ना, फिर लॉटरी में बाद बंदी लालच भी पड़ जाता है। एक उदाहरण देखो, ये सच्ची बात है, मेरा दोस्त अभी हाल ही में मुझे मिला, मुश्किल से एक साल हुए मतलब दोस्त बने हुए, पहले वो बात करता था पर अचानक से उसने मेरी वीडियो देखी और उसे लगा कि हाँ भैया कुछ शेयर मार्केट में अच्छा हो सकता है। वो काम कर रहा था इंट्राडे में, मतलब आज ही खरीद के आज ही बेचना, इस तरीके की उसकी गतिविधियाँ थी। पर वो अभी तक इतने सालों से काम कर रहा है, उसको वो साइकोलॉजी नहीं आई कि अगर शेयर मार्केट किसी कारण से गिर रही है तो वहाँ अच्छे शेयर नहीं ख़राब हो रहे हैं, है ना। अभी मुझे याद है कि जब 4 तारीख को मार्केट गिरी रिजल्ट के अनुसार, आपको पता ही है, तो उसने करीब 44,000 रुपये का लॉस बुक किया था। अब उसने कहा मैं डर गया, मैंने लॉस बुक कर लिया। हालांकि उसने अगले 2-4 दिन में कुछ करके 20-30 हज़ार रुपये उसने वापस कर लिए। अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर उसने इस तरीके से कि भैया लॉस भी बुक करा प्रॉफिट भी लिया, तो आज उसका पोर्टफोलियो सिर्फ नाम मात्र का ऊपर नीचे का है, है ना। तो 4-5 साल भी गए, समय भी गया, टेंशन भी ले ली और हम मार्केट से कुछ नहीं सीखे। हम अपनी बात बताएं, हमें तो 4 साल होने वाले हैं और 4 साल में पैसा नहीं गंवाया है। शुरुआती तौर की हैं वो कंपनियां, वो पड़ी हैं अभी तक के, पर जब से अपनी चीज़ों को समझा नहीं भैया अपना भी सब कुछ करना है, तब से हमने अपनी चीज़ों को अच्छा किया है। आज उनके और मेरे पोर्टफोलियो में ज़मीन आसमान का चीज़ें होंगी, क्योंकि वो गिरावट को देखकर लॉस बुक कर लेता है। और अगर 4 तारीख वाले शेयर अगर अच्छे शेयर थे, आज वो उस लेवल से भी ऊपर हैं जो वो गिर गए थे। तो वो दृष्टि हमारे अंदर कब आएगी, जब हम गतिविधियां को जानेंगे और सबसे पहले सुधार करेंगे अपनी आदतों में। आज भी लोग फिर से GTL इंफ्रा की बातें मेरे से कर रहे हैं और उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए इसके अंदर बनाई है, चाहे सार्थक बाजार से हो चाहे इसका चैनल हो। तो यहाँ मैंने आपको उस गतिविधियों से बताया है जो एक स्वस्थ तरीके से चीज़ें होती हैं। मैंने अभी अपनी छोटी सिस्टर का अकाउंट खुलवाया और उसके अंदर उसको मैंने ट्राइडेंट के शेयर दिलवा दिए कुछ कम पैसों से जो थे, और उसमें उसको अभी एक हफ्ते के अंदर लिया था तो अभी प्रॉफिट है। पर उसके अंदर मैंने ये आदत डाल दी है कि भैया बेचना नहीं है अभी ये आपको, क्यों, क्योंकि जो भी हमने शेयर लिए हैं वो गतिविधियों के अनुसार लिए हैं और वो ऐसे नहीं लिए हैं कि वो हमें बर्बाद कर देंगे। भले वो छोटा शेयर है पर उसका वजूद बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देश में तो वर्क करती है ट्राइडेंट, उसके साथ वो निर्यात करती है तो उसको प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरीके से 1-1.5 साल पहले अपनी भांजी को मैंने ये चीज़ें करवाई थी, तो वो उसने जितना पैसा लगाया था उससे उतना ही पैसा उसने बाहर निकाल लिया। अब उसके पैसे उतने हैं जितना उसने लगाया था, मतलब वो लगाया हुआ पैसा बाहर निकल गया, उसका प्रॉफिट पड़ा है सारा का सारा। अब क्या है, वो भी खरीद बेच नहीं करती रोज, वो भी रुक गई है। हम अपने को कैसे चीज़ें संभालें, क्योंकि हमें तो भाई रोज के पैसे भी चाहिए, भैया मैंने तो आज भी प्रॉफिट लिया है कल भी लिया था, हम अपने को कैसे संभालें। वो लाजमी होता है कि एक दूसरा अकाउंट आप अपना कोई सा भी खोल लें, उसके अंदर जाकर अपने प्रॉफिट वाले जो आपका आया उस प्रॉफिट को थोड़ा सा वहाँ ट्रांसफ़र कर दें।
लाजमी आप देखेंगे कि अगर आप ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं अपने अंदर कि अच्छे शेयरों से ही प्रॉफिट लेकर वहां पर ट्रांसफर करना, वहां पर वही अच्छे शेयर आप ले सकते हैं, आप दूर तक के चले जाओगे उससे, बहुत दूर तक आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि आपको पता लगेगा मेरा तो ये प्रॉफिट का पड़ा है सारा का सारा। जब यहाँ पर शॉर्ट टर्म, इंट्राडे ये सब होता है तो इसके वजूद होते हैं, पर इसके अंदर कंट्रोल करने वाली चीज़ें होती हैं, और वो कंट्रोल करने वाली चीज़ें अगर हमारे अंदर आएगी तो हाँ, हम एक दिन कभी ना कभी अच्छे पैसे कमा लेंगे। मैं करोड़पति की मैं चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने 4 से 5 साल खोकर भी वही स्थितियों में है, पर हमने अपनी स्थिति को समझाकर अपनी स्थिति को कुछ और तरीक़ों से लाए हैं। इसलिए आज से इस वीडियो को देखकर आपको समझना है कि अमीर हम जल्दी नहीं बन सकते, हमें छोटे पैनी स्टॉक की तरफ से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, जिसके ऊपर लोग बड़ी गहराइयों से आपको समझा दें और वो पैनी स्टॉक हो तो समझ लो इसमें दाल में काला है, दूर हो जाओ। अभी एक शेयर आया था धात्री उद्योग, जब मैंने उसकी वीडियो बनाई तो वो 23-24 रुपये करीब का था, इसलिए बनाई क्योंकि काफ़ी लोग उसके अंदर वीडियो बना रहे थे, वो शेयर शायद 25-26 रुपये तक गया, इतने गया होगा। आज मैंने उसको देखा तो वो आज मुझे 17 रुपये से नीचे शेयर मिला है। मानी जो गारंटी देकर हमें वीडियो बनाकर बता रहे थे, क्या अब वो उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं? क्या अब उस शेयर के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है? नहीं बना सकते वो, क्यों? उनका काम हो गया। तो आपको ये करना है कि किसी का काम नहीं होने देना है आपको। काम कब होता है दूसरे लोगों का, चलाक लोगों का? जब वो हमें फंसाते हैं। हमें बाजार में बिल्कुल नहीं फंसना है। बड़े बड़े एनालाइज करने वाले क्या बोलते हैं, पैनी स्टॉक से दूर रहना है हमें, दूर। अगर काम करना है तो प्रॉफिट देखना है, इन चीज़ों के साथ है। क्योंकि काफ़ी लोग इस मंशा से भी आ रहे हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई इंसान गलत चीज़ में पढ़कर बहुत अमीर हो चुका है? और अगर अमीर हो चुका है तो बाद में क्या हाल होता है? विजय माल्या, नीरव मोदी, बड़े बड़े ऐसे लोग जो शुरुआती तौर पर गुमराह लोगों करके पैसा कमा लेते हैं, तो बाद में उनका क्या होता है? नीचे आते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप में ऐसी वीडियो भेजी, मैंने उसको देखा तो मेरी तो आंखें और खुल गई उस वीडियो को देखकर। काफ़ी लोग कहते हैं भगवान हमें दिख जाए, भगवान हमें दिख जाए, भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें मिल जाए, सब काफ़ी लोग ये चीज़ करते हैं कि भाई हमें किसी तरह भगवान मिल जाए। तो उस व्यक्ति ने ये बताया, एक ऐसी कथा, मॉडर्न कथा बताई कि मान लो आपने कहा कि कृष्ण भगवान हमारे साथ रह लें, तो अगर कृष्ण भगवान आपके साथ सच में रहने लग गए, नुकसान नहीं करेंगे वो आपका, ना आपसे कुछ मांगेंगे वो, ना कुछ आपको देंगे वो, पर वो आपके बराबर में बैठे हैं जो उस कथा में है। और आपके पास कोई आपका दोस्त आ गया कुछ लेने आपसे, और वो आपके पास है और आप मना कर रहे हैं, और बराबर में आपके कृष्ण भगवान बैठे हैं, तो आप झूठ बोल पाओगे? नहीं। कुछ चीज़ आपने किसी कस्टमरों को किस रेट पर दी, दूसरे को किसी रेट पर दे रहे हो, कह रहे हो कि मैंने इससे पहले कोई ये रेट नहीं दी, और आपने उससे पहले कम भी दे रखे हैं, कृष्ण भगवान आपके बराबर में बैठे हैं, क्या आप वो चीज़ें कर पाओगे? कृष्ण भगवान का मतलब है सच्चाई, भगवान का मतलब है सच्चाई। मूर्तियों से बाहर मत निकालो भगवान को। जिस दिन हमने मूर्तियों से भगवान को बाहर निकाल दिया, उस दिन हमारी स्थितियाँ ख़राब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं आप सुधर जाओ, किसी का पैसा ही ना मारो, कुछ ना मारो, हम आपके साथ हैं। तो भैया भगवान को साथ रखोगे तो फिर आदतें भी साथ रखनी पड़ेगी आपको अच्छी। इसी तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट पास रखनी पड़ेगी तो पैनी स्टॉक से दूर रहना पड़ेगा, है ना। मैं कुछ नहीं कह सकता GTL इंफ्रा आज क्यों थोड़ा सा रेड हो गया, पहले वो क्यों इतने ऊपर पहुंच गया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा कर चलाऊँ। टॉपिक तो आज ये था कि क्या हम शेयर मार्केट से अमीर जल्दी में बन सकते हैं, तो सवाल है बिल्कुल भी नहीं बन सकते जल्दी में, और बनना जो होगा वो हमें आगे की दृष्टि के साथ अच्छा होकर बनना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए ट्राइडेंट, सुजलोन एनर्जी सोल्यूशन, और आपके लिए वीडियो बनाई है MTNL के अंदर, समझाने वाली वीडियो। आज की वीडियो वो समझाने वाली बनी है, बस उसको आप समझ लेना। तो आज से अगर आपको अमीर होना है तो हमें अपनी आदतों को सुधार करना पड़ेगा, और वो होती है लालची चीज़ों के साथ पढ़ना और बिना फंडामेंटल के किसी चीज़ को वापस लाना।
तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।